वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंटिंग रेशियोस। अकाउंटिंग रेशियोस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अगेन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा जरूर आता है और 110% श्योरिटी होती है कि अगर हम प्रॉपर फॉर्मूले अच्छी तरह तैयार कर लें तो ये 4 में से 4 मार्क्स हमें पूरे ही मिलते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हमें एक एक रेशियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ी सी है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज एन अर्थमैटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। अगर दो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स का हम रिलेशन बताएं तो रिलेशन को हम रेशियो से एक्सप्रेस करते हैं। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन या अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड आइटम्स। ये तो हुआ रेशियो। अब इस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं रेशियो को और हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग रेशियोस। तो द रेशियोस या फिर रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट्स या पी एंड एल कॉन्सेप्ट और अदर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अकाउंटिंग रेशियो। तो लेट मी इंट्रोड्यूस इट ऑल्सो। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ अ कंपनी और इन एनी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टू इंटरडिपेंडेंट आइटम्स को रेशियो कहते हैं, इनके रिलेशन को, और अगर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी या फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इनके आइटम्स का रिलेशन बताया जाए, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया जाए तो दैट इज अकाउंटिंग रेशियोस। एक चीज और पढ़ेंगे, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। हैविंग द कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोजीशन बाय मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स गिवन इन द बैलेंस शीट और एनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सच एनालाइजिंग इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। बट डिफाइन करते हैं इसको। द स्टडी ऑफ वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन बिजनेस इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। एक और वर्ड में मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ, एनालाइजिंग द रेशियोज मीन्स हैविंग द कंप्लीट डिटरमिनेशन और नॉलेज ऑफ द आइटम्स देयर पोजिशन देयर फैक्ट्रू पोजिशन टू प्रॉफिट लॉस वट एवर अराइजिंग इन द कंपनी। Having the complete analyzing of that concept is known as ratio analysis. अब इधर दो theoretical portion और हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, वो था objective and limitation। तो जिस book का जो first chapter हमने पढ़ा था financial statement of a company, उसमें मैंने सबसे last topic आपको पढ़ाया था objectives and limitations of financial statement, right? और दिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट चैप्टर में तैयार किए थे टू सिंप्लीफाई टू एनालाइज टू आइडेंटिफाई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन व्हाटएवर आई हैव गिवन एंड ऑल दोस लिमिटेशंस लाइक इग्नोर्स क्वालिटी विंडो ड्रेसिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन based on personal bias, all those limitations also we will write in the limitation of ratio analysis as well as in the objectives of ratio analysis। मतलब जो आपने limitation first chapter में तैयार की थी वही इस chapter में अगर question आ जाता है limitation of ratio analysis same लिख देंगे। similarly अगर objectives of ratio analysis आ जाते हैं तो first chapter के ही objective हो जाएंगे और इसमें लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियोस। मतलब अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो होंगे बेटा, जैसे हमारा लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देयर
एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो वेयर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज वन। रेशियो कैसे फॉर्म होता है, जहां पर बेटा डिनोमिनेटर हमेशा वन होता है, जैसे टू अपॉन वन, न्यूमरेटर टू है और डिनोमिनेटर वन। तो जब डिनोमिनेटर वन तक सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे मैं इस तरह से ले लू, अगर 15,000 करेंट एसेट्स है और 10,000 और हमारा ये हो गया हमारा 2,000, मान लो बेटा हमारा करेंट लायबिलिटीज है, तो दिस दिस 2.227 14.5, नाउ द रेशियो इज 7.5:1। आई एनालाइज बेटा डिनोमिनेटर बिकम्स 1, दिस इज प्योर रेशियो। प्योर रेशियो हमेशा रेशियो में आइडेंटिफाई होता है, जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, राइट। नेक्स्ट इज परसेंटेज, जिस रेशियो का आंसर परसेंटेज में आइडेंटिफाई हो, दैट इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो। फॉर एग्जांपल 25%, 40%, जैसे हमारे में एक रेशियो आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, द आंसर विल कम्स इन परसेंटेज। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियोस। द थर्ड वन इज टाइम्स, जिसका आंसर टाइम्स में आए, कितना गुना एक चीज किसी दूसरी चीज से कितना टाइम्स ज्यादा है या कितना टाइम्स कम, दिस इज टाइम्स। इट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम, दैट इज 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स। तो जिस भी रेशियो का आंसर भी मैं आपको बताऊंगी किस रेशियो का आंसर किसमें आएगा, टाइम्स में आइडेंटिफाई हो, तो दैट इज टाइम्स, राइट। एंड द फोर्थ वन इज फ्रैक्शन, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/4 5/6 7/8, where the answer is coming in fraction. So this is expressions, four expressions of accounting ratios. Number one, pure ratio, जहाँ पर ratio में denominator one हो जाएगा, इतनी हद तक simplify करेंगे. Percentage, जहाँ पर answer percentage में है. Times में, अगर number of times में answer दिया हुआ है. And the fourth one is fraction, answer fraction में है. That is fraction expression of the ratios. ठीक है बेटा? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, जो इस चैप्टर में थोड़ा सा ही था, वो था हमने पढ़ा व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन, जो मुझे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिए, वही पॉइंट्स याद करेंगे। एंड एक्सप्रेशंस ऑफ रेशियो, कल की वीडियो से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं और उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग रेशियोज होते हैं। अगर आपको आज की आपको सारा थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया हो और चैप्टर की शुरुआत अच्छे से हो गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे